अशक्यप्राय गोष्ट शक्य करण्यासाठी कोकण रेल्वेचं तंत्रज्ञान भारताचं नंदनवन काश्मीरमध्ये धडधडतंय. एकीकडे मनाला भुरळ घालणारा निसर्ग आणि दुसरीकडे संवेदनशील काश्मीर खोरं. याही परिस्थितीत कोकण रेल्वेच्या तंत्रज्ञांनी जगातला सर्वात उंच पूल चिनाब नदीवर उभारायचा विडा उचलाय. 2017 पर्यंत या विश्वविक्रमी पुलाचं काम पूर्ण करण्याचं निश्चित झालंय. मात्र यासाठी कोकण रेल्वेपुढे कोणती आव्हानं आहेत याची माहिती घेतली आमचे प्रतिनिधी प्रणव पोळेकर यांनी. या प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र कुमार यांच्याकडून. जम्मू काश्मीरच्या खोऱ्यांमध्ये कुमार आहेत. कुमार सर, किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह का ये प्रोजेक्ट है? यूएस बैरल प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोकण रेलवे को नॉमिनेशन बेसिस पर मिला हुआ है. ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और कोकण रेलवे का 35 किलोमीटर के सेक्शन में 28.6 किलोमीटर की टनल है, 3.5 किलोमीटर के ब्रिजेस हैं और 2.8 किलोमीटर की कटिंग्स और एम्बैंकमेंट हैं. टोटल इसमें 14 टनल हैं और उसमें से 12 टनल का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2 टनल का काम प्रोग्रेस में है. ब्रिजेस में टोटल 21 ब्रिजेस हैं, उसमें से 4 ब्रिजेस के काम कंप्लीट हो गए हैं. चेनाब ब्रिज का जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज है उस पर काम चल रहा है प्रोग्रेस में, बाकी ब्रिजेस के काम भी शुरू होने वाले हैं. कोकण रेलवे के कितने इंजीनियर्स, कितने लेबर्स, कितने काम इधर काम कर रहे हैं और किस तरह से ये काम चल रहा है अभी? कोकण रेलवे के लगभग 200 इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं और सभी वर्क साइट पर ही कैंप करते हैं, यहीं रहते हैं और पूरी मेहनत और लगन से इसका पूरे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. मैं चेनाब ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. ये वर्ल्ड का रेलवे का सबसे ऊंचा बनने के बाद में ये सबसे ऊंचा पुल कहलाया जाएगा. इसकी ऊंचाई नदी के बॉटम से टॉप ब्रिज के टॉप तक 359 मीटर है जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा होगा और इसका स्पैन, सिंगल स्पैन जो आर्च स्पैन है वो 467 मीटर का होगा. वह यह स्पैन भी रेलवे ब्रिज के लिए वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्पैन होगा और इसमें लगभग 25,000 मेट्रिक टन का स्ट्रक्चरल स्टील लगाया जाएगा और चेनाब ब्रिज का काम पूरी काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर 2017 तक इसे पूर्ण कर लेंगे. जो चेनाब ब्रिज है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला ब्रिज जो बनने वाला है उसका जो त्याचं काम आहे ते 2017 पर्यंत पूर्ण होईल असं कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना वाटतंय. व्हिडिओजना दीपक मोहितेसह प्रणव पोळेकर, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.